बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर, मैं हूं अली डार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज शेयर करनी है। एक 10 साला पाकिस्तानी बच्चा है जिसको यूट्यूब के ऊपर 10 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, मूसा तनवीर। इसने रिकॉर्ड कायम कर दिया है, ये यंगेस्ट फर्स्ट पाकिस्तानी है जिसने यूट्यूब का डायमंड बटन हासिल कर लिया है। इसको 10 मिलियन लोग अब तक सब्सक्राइब कर चुके हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि किसी ने सिल्वर बटन हासिल कर लिया, किसी ने गोल्डन बटन हासिल कर लिया, लेकिन ये वाहिद पहला पाकिस्तानी यंगेस्ट बच्चा है जिसको यूट्यूब ने डायमंड बटन दे दिया है इनाम में। इस बच्चे का ताल्लुक कहाँ से है, ये बच्चा रहता कहाँ पर है, इसने कैसे ये काम किया, किस तरह ये 10 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल करने में कामयाब हो गया और ये किस तरह का कंटेंट बनाता है, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। बहुत ही दिलचस्प मालूमात है इस बच्चे की। तफसीलात के मुताबिक ये बच्चा पिछले 3 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा है और इन पिछले 3 सालों के अंदर मूसा तनवीर ने 10 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल किए हैं। इसने टोटल वीडियोस कितनी बनाई हैं इस बच्चे ने, मूसा ने 470 वीडियोस इसने पिछले 3 साल में बनाई हैं और इसने जो व्यूज़ हासिल किए हैं इन 470 वीडियोस पर, वो हैं 2.7 बिलियन व्यूज़ इस बच्चे ने यूट्यूब पर हासिल किए हैं। अब मूसा करता क्या है, मूसा क्या काम करता है, मूसा एक्टर भी है, मूसा आर्टिस्ट भी है, ये कंटेंट भी क्रिएट करता है, जिसके अलावा ये एज अ मॉडल भी बच्चा काम कर रहा है। मूसा का सिर्फ एक चैनल नहीं है जिस पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, बल्कि इसके अलावा मूसा के 2 और भी चैनल अब बन चुके हैं, जिसमें एक का नाम है मूसा इन शॉर्ट्स और एक का नाम है मूसा इन लाइव। अब हम बात ही कर लेते हैं कि मूसा आखिर किस तरह का कंटेंट YouTube पर बना रहा है जो लोग इतना पसंद कर रहे हैं और ये 10 मिलियन लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया है। तो दोस्तों, मूसा जिस पर काम कर रहा है वो है स्किट्स जो बनाए जाते हैं, शॉर्ट्स पर काम कर रहा है और टीवी एपिसोड्स पर काम कर रहा है। चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए ये टीवी एपिसोड्स बनाता है। सबसे अच्छी बात इसके टीवी एपिसोड्स की ये है कि उसके अंदर कोई ना कोई लेसन मिलता है। मैंने जब इस बच्चे की वीडियोस देखी, मैं बहुत इंप्रेस हुआ। मुझे मालूम हुआ कि वाकई में इस बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत क्वालिटी का बहुत अच्छा काम कर रहा है विद अ गुड लेसन। और ये जो एपिसोड्स बना रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 से 10 साल तक के बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल चैनल है। अब बात हम ये लेते हैं कि मूसा तनवीर का ताल्लुक कहां से है। दोस्तों, मूसा तनवीर का ताल्लुक बेसिकली लाहौर से है, लेकिन इस वक्त मूसा दुबई के अंदर रिहायश पजीर है और वहां पर ये तमाम तर कंटेंट शूट कर रहा है। वहां पर ये जो मैंने आपको बताया स्किट्स, शॉर्ट्स और एपिसोड्स वगैरह, वो कंटेंट वहीं पर दुबई में ही जनरेट कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है मूसा की, कि मूसा ने पहले टिकटॉक पर काम करना शुरू किया जब ये यूट्यूब पर नहीं आया था। इससे पहले इसने टिकटॉक पर काफी अरसा एफर्ट की, लेकिन कुछ अननोन रीजंस की वजह से उसका जो टिकटॉक का अकाउंट था उसको डिलीट कर दिया गया। उसकी उसको वजह नहीं बताई कि उसने क्या वायलेशन किया, क्यों उसका अकाउंट डिलीट हुआ, लेकिन मूसा वहां पर यकीनी तौर पर डिसहार्ट हुआ होगा कि एक बच्चा है 10 साल का और उसका अकाउंट डिलीट हो गया। उसके बाद वो काफी ज्यादा डिसहार्ट हुआ, लेकिन उसने रुख किया यूट्यूब का। यूट्यूब पर इस बच्चे ने बहुत ज्यादा मेहनत की और अब रिजल्ट आपके सामने है वैसे। और इसकी मेहनत के अलावा इसने यूट्यूब के अलावा रुख किया इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, और वहां पर भी इसने ऐसी वीडियोज ही अपलोड करनी शुरू कर दी। और इस वक्त इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी इस बच्चे को मिलियंस लोग फॉलो कर रहे हैं और वहां पर इसको इसकी वीडियोस देखी जा रही हैं। अच्छी बात इस बच्चे की वीडियोस की, मूसा तनवीर की, ये है कि इसकी तमाम तर वीडियोस जो हैं उसके अंदर कोई ना कोई अच्छा लेसन दिया जाता है, यानी कि एंटरटेनमेंट भी है और एंटरटेनमेंट के साथ साथ इसकी वीडियोज के अंदर लेसन भी दिया जा रहा है। तो ये पहला पाकिस्तानी, यंगेस्ट पाकिस्तानी है जिसने यूट्यूब का डायमंड बटन हासिल किया और इसके इस वक्त 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर बहुत ही एजाज की बात है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने गोल्डन बटन भी हासिल कर ली है। यूट्यूब का जो गोल्डन बटन मिलता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर फॉलो होने के बाद, जब आपको सब्सक्राइब करते हैं 1 मिलियन लोग, लेकिन इस बच्चे ने 10 मिलियन का रिकॉर्ड इस वक्त पाकिस्तान में इसने बना दिया है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बाकी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। लेसन यह है कि हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद मैं राइट एज का, राइट टाइम का वेट कर लेता हूँ, जब मेरा राइट टाइम आएगा, राइट एज आएगी, तब मैं कुछ करना स्टार्ट करूंगा। इस बच्चे ने साबित किया है कि एज मैटर नहीं करती। आप किसी वक्त भी अगर काम करना शुरू करते हैं, पहली बात तो है कि आप काम करना स्टार्ट कर दें। इस बच्चे ने काम करना स्टार्ट किया, इसने नहीं देखा उसकी एज क्या है, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसने काम किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग जिसमें लैग करते हैं वो है कंसिस्टेंसी।
इस बच्चे ने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया। मैंने आपको बताया कि इसने कितनी 400 प्लस वीडियोस इस बच्चे ने अपलोड की हैं, 470 वीडियोस इस बच्चे ने बनाई हैं पिछले 3 सालों के अंदर, बहुत बड़ी बात है। और ये परसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, और काम स्टार्ट करने के बाद राइट ट्रैक पर चल रहा है, और इस वक्त इसको दुनिया जानती है, और इसने वाहिद रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए बना दिया है। खैर, ये यकीनी तौर पे वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, मोटिवेट करेगी आप लोगों को, और ऐसे बच्चों का होना हमारे लिए बायस फ़ख्र है। आपको अपडेट रखेंगे, ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।